परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप आज पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर है बहुपद और प्रश्नावली 2C आपको हम शुरुआत से बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं क्लास टेंथ की, क्या करें, कितना लोड लेके चलें, फिर भी हमको पढ़ाना पड़ रहा है लेकिन आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे परफेक्ट स्टडी 68 हमारे परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए जिससे हम आपको और एनर्जी के साथ क्लास दे सकें और लाइव क्लास भी दें, तो लाइव क्लास तक हमको पहुंचाइए। तो आइए हम आपको प्रश्नावली 2C से अवगत कराते हैं। अब इसमें आपका त्रिघात बहुपद है, बहुपद में आपका त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है त्रिघात बहुपद का मानक रूप अब मानक रूप में क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है और इसमें आपको निकालना है शून्यकों का, और इसके शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद में हमने आपको 2 शून्यक बताया है, तो यहाँ देखिए शून्यक दिए गए हैं और शून्यकों का योगफल ये बराबर होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स घाते 3 का गुणांक, ठीक, और योगफल में आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपान ए, सूत्र ये आएगा शून्यकों का योगफल का। इसके बाद क्रमशः दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो दो शून्यक एक साथ गुणा होंगे, इसके बाद सभी क्या होंगे, जोड़े जाएंगे और इसका मान आता है कि यक्ष का गुणांक बटे यक्ष घाते 3 का गुणांक, ये सूत्र है त्रिघात बहुपद के लिए, ये आपको हम फार्मूला बता रहे हैं। अब दो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा बीटा, फिर अगले दो शून्यक का गुणनफल बीटा गामा, फिर अगले दो शून्यक का गुणनफल गामा अल्फा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और इन्हीं का योगफल ये बराबर हो जाएगा यक्ष का गुणांक कितना है सी और बटे यक्ष क्यूब का गुणांक कितना है ए, यह सूत्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात शून्यकों का गुणनफल ये बराबर होगा अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक, हमेशा हर में आपको जो है यक्स क्यूब ही दिख रहा है, हर जगह यक्स क्यूब ही दिख रहा है, केवल योगफल के लिए पहले पद का अंश हो जाएगा और माइनस रहेगा, फिर दो पदों के गुणनफलों के योगफल के लिए दूसरे पद यानी यक्स का जो गुणांक है वो हो जाएगा लेकिन प्लस में रहेगा, चिन्ह जो रहेगा वही चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा लेकिन यहाँ चिन्ह बदल जाएगा माइनस के कारण, फिर तीसरे में जो लास्ट वाला है अचर पद उतना बटे यक्स क्यूब का गुणांक, एकदम आसान है याद करना, एकदम आसान। शून्यकों के योगफल के लिए हर को आप छोड़ दीजिए, हर में कौन सा पहले पद का गुणांक लेना है और पहला वाला माइनस है, पहले पद को छोड़िए दूसरा पद का अंश बनाइए पहले वाले में, फिर दो पदों के योगफल गुणनफलों के योगफल वाले में दूसरा वाला यहाँ लगा चुके हैं तो तीसरे वाले को अंश बनाइए, चिन्ह वही लगाइए जो यहाँ चिन्ह है, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूत्र में प्लस है, तीसरे वाले में जो बचा है उसको अंश में लिखिए, चिन्ह परिवर्तित होगा क्योंकि माइनस है और हर में हमेशा यक्स क्यूब का गुणांक ही प्राप्त हो रहा है, तो ये सूत्र आपने एकदम आसानी से याद कर लिया, एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है। तो आइए इस पर हम आपको सवाल बताते हैं प्रश्नावली 2 का, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान फार्मूला।